की हालत देख फूट फूट कर रोया अधिराज। आखिर कैसे अधिराज बचाएगा काव्या और अपने बच्चे की जान। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल काव्या में काव्या और अधिराज पर फिर से एक मुसीबत आन पड़ी है। जी हां, काव्या की हो गई अचानक तबीयत खराब और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर अधिराज की हालत काफी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर ब्लड का इंतजाम टाइम पर नहीं हुआ तो काव्या और उसके बच्चे की जान वो नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में अधिराज दौड़ता भागता जाता है ब्लड का इंतजाम करने। डॉक्टर और बच्चा पप्पा को समझ में नहीं आ रहा ये अचानक कैसे हुआ, कैसे सुबह तक सब ठीक था, एग्जैक्टली ये हुआ कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा। ये she was fine सुबह तक। मिस्टर आदि, it's just because of over exhaustion। रिपोर्ट साफ कहती है कि काव्या जी ने 8 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ी, और मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था कि बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। ऐसा करके काव्या ने अपनी और बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल दी। ब्लड बैंक में ए नेगेटिव नहीं है, फोलिक एसिड में अवेलेबल है, पर क्या उस साइड का डॉक्टर वहां से ब्लड नहीं आ सकता। गॉड, हमें अर्जेंटली ब्लड की जरूरत है। 1 घंटे में अगर ब्लड नहीं मिला तो काव्या और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बच्चे को कुछ नहीं होगा, ब्लड हम लेकर आएंगे। हम लेकर आएंगे, आप जो हो सके आप कीजिए, हम ब्लड लेकर आएंगे। डॉक्टर प्लीज, लुक आफ्टर हर प्लीज। अब देखना काफी दिलचस्प होगा, क्या टाइम पर अधिराज ब्लड लेकर पहुंच पाएगा हॉस्पिटल, क्या बचा पाएगा अपने बच्चे और काव्या की जान। वेल, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ।